नमस्कार दोस्तों, पूजा शक्ति चैनल में आप सभी मेरे भाइयों और बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बढ़ेंगे अपने टैरो कार्ड के अगले स्तर की तरफ। आज हम कार्ड देखेंगे द सन का कार्ड। द सन का कार्ड जो है बहुत पॉजिटिव कार्ड है। इसका सबसे पहले तो मीनिंग होता है मज़ा करना, मस्ती करना। ये कहीं ना कहीं सफलता को दर्शाता है। अगर हम देखें तो गर्मी के सीज़न को दर्शाता है, पॉजिटिविटी को दर्शाता है, जीवन की शक्ति को दर्शाता है, ये हर और उजाले को दर्शाता है। सूर्य क्योंकि आशावाद और बहुत ही ज़्यादा एक पूर्ति लिए छवि लिए होता है, सुबह जब होता है अंधेरे जो है उसे ख़त्म कर देता है। पृथ्वी पर सभी जीवन के जो स्रोत होते हैं उनके रूप में सूर्य का होना बहुत ज़रूरी होता है। सूर्य में जीवन जो है एक बहुत ही ज़्यादा किरदार निभाता है, पॉजिटिव किरदार निभाता है। अब हम इस बच्चे को अगर कार्ड में देखेंगे तो कृपया आप अपने सभी जो जुड़े हैं मेरे साथ में भाई बहन, अपना कार्ड अपने साथ में रखें। जब आप इसमें देखेंगे एक बच्चा है, बच्चा अपनी भावनाओं को कैसे दर्शाता है, जब वो अपनी भावनाओं को दर्शाने के लिए खुशी से अपनी भावनाओं को सामने रखता है तो बच्चा खुश है, परंतु वह जो है बिना कपड़ों के है तो छिपाने के लिए उस व्यक्ति के पास या उस बच्चे के पास अभी कुछ भी नहीं है। उसके पास बचपन की सभी निर्दोषिता है, शुद्धता है। वहीं वो जिस घोड़े पर बैठा है वो सफ़ेद घोड़ा है। ये जो है घोड़ा, ये आत्मा की ताकत को दर्शाता है, ये शुद्धता को दर्शाता है। घोड़ा जो है बिना कड़े के है, ये भी ध्यान रखें, और हाथों के उपयोग के बिना नियंत्रण किया जा सकता है। यानी कि आपकी आत्मा जो है अभी इस समय पर शुद्ध है। ये जो घोड़ा है ये एक तरीके से आत्मा और अंदरूनी ताकत को दर्शा रहा है। अब हम जब देखेंगे कि ये जब सचेत भी करता है और अवचेतना के बीच सही नियंत्रण को भी प्रतीक करता है ये बच्चा। बच्चे अपने बाएं हाथ में एक नारंगी बैनर लिए हुए है जो दर्शाता है कि नियंत्रण जो है सचेत से अवचेतना का जो है पारित हो सकता है। नारंगी जो है बैनर क्रिया को दर्शाता है क्योंकि यहाँ कलर बहुत पॉजिटिव किरदार निभाते हैं। तो नारंगी रंग जो है उसका जो बैनर है वो आपकी क्रियाओं को दर्शाएगा, यानी आत्मा के साथ किस प्रकार क्रिया जाएगी, और कंपन का भी प्रतिनिधित्व करता है कहीं ना कहीं। सूर्य की किरणें एक ही चीज़ का प्रतिनिधित्व करती हैं, सीधे किरणें जो हैं क्रिया होती हैं, जबकि लहरदार किरणें जो है कंपन का प्रतिनिधित्व करती हैं। पृष्ठभूमि में सूरजमुखी सूर्य की पोषण की तरह जीवन में आत्मा की फलदायी तथा प्रतिनिधित्व करते हुए दिखाई दे रही है। चार सूरजमुखी के फूल जो हैं, जो माइनर अरकाना के चार सूट होते हैं उन्हें दर्शाता है। साथ ही साथ चार तत्वों का भी प्रतिनिधित्व करता है। इस कार्ड के लिए ज्योतिष जो है सूर्य को ही मेन मानते हैं तथा वो दिखाते हैं कि जीवन में किरणें फैलने वाली हैं, आपके पास कुछ पॉजिटिविटी आने वाली है, आपका उज्जवल भविष्य है। सूर्य सफलता को दर्शाता है, चमक को दर्शाता है, ये धन को दर्शाता है। सूर्य आपको ताकत देता है, आपको बताता है कि आप चाहे कहीं भी हों, आप कुछ भी कर रहे हों, आपकी पॉजिटिव सोच व चमकदार ऊर्जा जो है आपके पीछे सदैव रहेगी। आपको खुशी और आपके लिए खुशी तो लेकर आएगी, साथ साथ में आपके आसपास के जीवन में जितने लोग हैं उन्हें भी आकर्षित करेगी क्योंकि आप हमेशा चमकदार हैं, आपके पास पॉजिटिविटी है। आप जो है सही तरीके से सोचने की क्रिया, जो मैंने दिखाया था क्रिया, हम जैसे बात करी थी हमने, जो आप क्रियाएँ करेंगे उन्हीं से लोग जो है आपकी तरफ आकर्षित होंगे। इस तरह अब हम जैसे इसमें बताया गया था कि गर्मी को भी रिप्रेजेंट करती है, यानी कि आप अपनी चमक से, आप अपनी क्रियाओं से एक ऐसी गर्मी पैदा करेंगे जो कि लोगों के जीवन में उजाला लेकर आएगी। ये सुंदर गर्म ऊर्जा आपको कठिन समय में जो है शांत रखने की ताकत देगा, आपको सफल होने में मदद दिलाएगा। आप एक ऐसी स्थिति में दूसरों के साथ, आप में ज़्यादा गुण हैं, आप उत्तम गुणों के स्वामी हैं, आपकी उपलब्धियाँ जो हैं ज़्यादा हैं, आप जो है खड़े अकेले हैं परंतु बिना किसी परवाह की आप बहुत ज़्यादा शाइनिंग कर रहे हैं। आपके पास आत्मविश्वास है, सहज भावना है, जीवन अच्छा है क्योंकि सूर्य जो है आपके लक्ष्य प्राप्त करने में आपको मदद करेगा। वहीं सूर्य दर्शाता है कि पूरे सप्ताह भर में जैसे शनिवार की सुबह उठने की भावना हो, आप अपने चेहरे पर चमकते सूर्य के साथ पर्दे खोलते हैं, छाया पक्षों के माध्यम से संघर्ष के बाद भी आप खुद के अंदर एक पॉजिटिविटी जो है हमेशा महसूस करते हैं। ये अगर ये कार्ड हमारा नेगेटिव या रिजर्व में आ जाता है तो उल्टा सूरज जो है विशेषकर सकारात्मक पहलुओं को ढूंढना मुश्किल कर देता है। बादल जो है आपकी यानी आपकी शाइनिंग की तरफ जो है बादल आ जाएंगे,
कुछ रुकावटें आ जाएंगी, आप महसूस करने लगेंगे, आप अपने ट्रैक से भटकते हुए दिखाई देंगे, आपको किसी झटके का सामना करना पड़ सकता है, आपका उत्साह कम हो रहा है, आपकी आशावादिता कम हो रही है, आप शायद सवाल उठाने के पक्ष में नहीं हो पाएंगे, आपको लगेगा कुछ गलत हो रहा है पर आप यहाँ पर जो है सवाल उठा नहीं पा रहे हैं। सूर्य कभी नकारात्मक कार्ड नहीं होता है लेकिन केवल अस्थायी हो जाता है। यदि आप अपना बाधाओं में अपने आप को घिरते हुए देखेंगे तो ये जो बाधाएं हैं ये जल्दी हटेंगे। भले ही रिजर्व कार्ड आया है परंतु ये जो है इतना नेगेटिव नहीं रहेगा, तब भी ये सिर्फ थोड़ी सी परेशानी को दर्शाएगा। ये सिर्फ इतना दर्शाएगा कि अभी समय जो है थोड़ा रुक कर चलने का है, अभी आप इतना ज़्यादा आगे बढ़ने की ना सोचें, अन्यथा आपको जो है हानि हो सकती है। रिजर्व कार्ड का मतलब होता है, क्योंकि जैसे मैंने कहा सूर्य कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, सूर्य सदा उपलब्धियों को दिखाता है, सफलताओं को दिखाता है, आपके जीवन में ऊर्जाओं को दर्शाता है। अब वहीं अगर ये कार्ड अतीत में आ जाता है तो अतीत में आपने जो सफलता हासिल की है वह भविष्य की खुशी के लिए एक मंच स्थापित करने वाला है। काम जो है आपकी एक जीवन शैली में आ चुका है, अध्ययन के क्षेत्र में आप विकास कर सकते हैं, पुरस्कार पा सकते हैं। वर्तमान में अगर ये कार्ड आता है तो आपकी नई दोस्ती की ओर इशारा करता है, नए रिश्तों की ओर इशारा करता है, खुशी और संतुष्टि का कारण बनता है। ये बताता है कि अभी हार मत मानो, आपको सफलता मिलने वाली है, सफलता आपके द्वार पर खड़ी है। अगर ये कार्ड भविष्य के लिए आता है तो आप एक पल के करीब हैं, आप अपने जीवन में बदलाव महसूस कर सकते हैं, आपके भविष्य में पूरा फायदा उठाने का समय आ चुका है। आप अभी तक अंतहीन संभावनाओं के प्रति भविष्य को देख रहे थे परंतु आपका भविष्य बहुत उजाला लिए हुआ है। वहीं हाँ या ना में अगर ये आता है इसका आंसर, क्योंकि बहुत पॉजिटिव कार्ड है, हमेशा उत्तर हाँ ही रहता है। ये जो है इसकी कोई महत्वपूर्ण तारीख नहीं है, सूर्य ही इसका जो है ग्रह, मेन ग्रह जो है माना जाता है, तथा इसका दिन जो है सदैव रविवार के दिन माना जाता है। चंद्रमा के विरोधी में सूर्य जीवन, खुशी और ऊर्जा से भरा एक कार्ड है। ये पॉजिटिविटियों को दर्शाता है, प्रयासों को दर्शाता है, जीवन के अच्छे भाग्य को दर्शाता है। ये अभिव्यक्ति करता है आपके आने वाले अच्छे समय को। कुल मिलाकर अगर ये किसी रिलेशनशिप में भी आता है तो रिलेशनशिप में आगे बढ़ने का मौका है, रिलेशनशिप बहुत अच्छी होने वाली है, बहुत पॉजिटिव है आप दोनों का साथ, लंबे समय तक आप दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे, साथ ही साथ जो है आप एक दूसरे के साथ जो है चीज़ें छुपी हुई नहीं है, जिस हिसाब से मैंने बताया था बच्चे जो है बिना कपड़े के है, यानी कि कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, दोनों की आत्मा जो है शुद्धि लिए हुए है, दोनों पार्टनर जो है एक दूसरे के लिए लॉयल है। ये कार्ड जो है आपको बताता है कि आप ध्यान केंद्रित कीजिए, क्योंकि कुछ ही समय में आपके लिए बहुत अच्छा कुछ आने वाला है। अब हम अगर कार्ड की और डिटेल में जाते हैं तो जैसे हमने घुड़सवार देख लिया है, जो एक बच्चा देख लिया, जो एक यात्री है, उसने पंख वाले जो है फूलों का मुकुट पहना है और हवा के बहाने बहने वाला एक पैनल ले रहा है। अब ये देखें, घोड़े के पीछे एक भूरे रंग की ईंट की दीवार है जो कि एक प्लांटर के रूप में कार्य करती है। जो बड़े खिलने वाले सूरजमुखी भीतर से अंकुरित होते हैं, इसके पीछे एक बादल रहित नीला आकाश है सूरज का, जो प्रभुत्व दिखा रहा है। सूरज की किरणें पीले हल्के हल्की देने वाले डिस्क के भीतर एक शांत चेहरे को घेरे हुए हैं, यानी जो सूरज का चेहरा है बहुत ही शांति लिए हुए है तथा बहुत अच्छा ये दिखा रहा है। ये बता रहा है कि ब्रह्मांड आपके पक्ष में कुछ ऐसी साजिश कर रहा है, परंतु घोड़े को कम प्रयास के साथ ही अपनी यात्रा पर ले जा रहा है। बच्चा आपके जीवन के एक नए चरण के पूर्व जन्म को दर्शाएगा। ये साधारणतः जीत का ही कार्ड है, ये कार्ड बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। देखा जाए तो इस कार्ड के साथ ही आपके जीवन की नई संभावनाएं खुलती हैं आपके जीवन में। आप अगर कोई प्रयास कर रहे हैं, नौकरी को लेकर कार्ड आता है, धन को लेकर कार्ड आता है, तो आप सोच लीजिए कि आपके जीवन में कुछ एक बहुत बड़ा ऐसा कार्य होने वाला है जो कि आपके जीवन में एक बहुत गहरी छाप देकर जाएगा। ये जो है क्योंकि जैसे सूरजमुखी के जो फूल थे जो अंकुरित थे तो वो धन को कहीं ना कहीं इशारा करते हैं, सफलता को बताते हैं। हवा जो सूरज के चेहरे अगर आप देखेंगे तो उसके उच्च दिमाग का एक उदाहरण है। एक उद्देश्य होता है हमारे जीवन में जब हम सोचते हैं कि हमें बहुत आगे तक जाना है, ये कहीं ना कहीं शांत चेहरा जो है शांति को भी दर्शाता है। सफ़ेद घोड़ा और सूरज का जब आप चेहरा ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे कि दोनों में ही शांति है। आप अगर घोड़े का चेहरा भी थोड़ा
सा ध्यान ले लेंगे उसकी तरफ तो हल्का सा मुस्कुराहट लिए हुए है, जो कि ये बता रहा है कि यात्रा जो है बहुत सुखदमय होने वाली है आपके जीवन में। आपकी आत्मा जो है सुख के साथ आपका साथ देगी, आप घबराएं नहीं, क्योंकि ये जो कार्ड है आपको ये बताने वाला है कि जीवन में कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो तैयार रहिए, हमेशा कुछ जो है आपके लिए नया आएगा। क्योंकि इसका एलिमेंट भी हम फायर देखते हैं कि क्योंकि सूरज जो है अग्नि आग को दर्शाता है, गर्माहट को दर्शाता है, तो उसका एलिमेंट भी जो रहेगा वो फायर ही रहेगा। जैसे मैंने बता दिया ग्रहों के लिए सन रहेगा, तो आप जब भी ये कार्ड आए तो आप बेशक होकर बताइए कि जी पॉजिटिव कार्ड है, बहुत अच्छा कार्ड है। पर अगर ये उल्टा आ जाता है तो थोड़ी सी स्थितियाँ जो है जो आपके पक्ष में नहीं है, सूरज उल्टा हो गया है, तो ये थोड़ा सा संकेत दे देगा कि स्थितियाँ जो है अत्यधिक आशावादी नहीं है, ये थोड़ा निराश है, थोड़ा सा जीवन में अंधकार आ सकता है, रास्ते भी बंद हो सकते हैं, सफलताएं उतनी नहीं प्राप्त होंगी जितनी कि आपने सोची हैं। आप जिस हिसाब से अपना दिमाग लगा रहे हैं हो सकता है थोड़ा रुकना पड़े आपको, समय के साथ चलने की कोशिश कीजिए। पर हाँ ये है कि जीवन आपका जो है बदलाव जरूर लेगा, बौद्धिक विकास जरूर होगा, हर मामले में दिल की ही सुने और विजय होगी, सच्चाई और सकारात्मकता हमेशा आपके साथ रहेगी। ये आपको कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है कि आपको अपने अंदर जो युवापन है उसे हमेशा संभाले रखना है, क्योंकि आप बच्चे को आप कितना भी डांट लीजिए, बच्चा दो मिनट बाद उस चीज़ को भूल जाता है। बच्चा खुश हो दुखी हो परंतु वो दो मिनट बाद भूलकर अपने कामों में लग जाता है। आपको अपने जीवन को उसी प्रकार से लेना है, अभी जो है ज़्यादा भावुक होने का समय नहीं है, अभी जो है आपका यात्रा का समय है, पॉजिटिव चीज़ों में अपने आप को दिखाने का समय। कभी कभी विवाह के सुझाव दे सकता है ये सूर्य का जो कार्ड है, ये दिखाता है नए रिश्तों को दर्शाता है, क्योंकि हमने जैसे चंद्रमा की भी बीच में बात की थी तो चंद्रमा माँ को दर्शाता है, वहीं सूर्य जो है आपके पिता को दर्शाता है। इसलिए आपके पिता के साथ संबंध आपके बच्चे के पिता या पिता के रूप में आपकी क्षमताओं को संकेत दे रहा है, स्पष्टीकरण दे रहा है। आसपास के कार्ड को भी देखें, जैसे मैंने कहा है कार्ड के कॉम्बिनेशन को भी साथ में देखना जरूरी होता है कि किस प्रकार का आया है, किस प्रकार का नहीं आया है। अब अगर हम देखें, क्योंकि सूर्य जैसे मैंने कहा और बच्चे को भी हम देख रहे हैं, हमने सूरजमुखी के फूलों को भी देख लिया है, तो संबंधों के लिए बहुत शानदार कार्ड होता है। परिवार में कुछ ऐसा उत्सव आने वाला है जो आप में उत्तेजनाएं जगाएगा, खुशी का समय आने वाला है, रिश्तों में जो है एक जोड़ी बनाने वाला कार्य आएगा। अगर कवारे हैं तो निश्चित ही आपके जीवन में कोई जीवन साथी आने वाला है तथा आपकी यात्रा जो है पूरी होने वाली है। तो भाइयों और बहनों, इसी आशा के साथ कि ये वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आया होगा, आज अपनी वाणी को यहीं विराम देते हुए हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय पर चर्चा करते हुए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।